चलिए इलेवेंथ क्या नया चैप्टर पढ़ाते हैं बच्चों, इसका नाम है सब डिवीजन, नहीं तो कर रही का उपविभाज्य। निकालिए आप चैप्टर, इसके सिंह में चैप्टर नंबर कितना लिखे तो 12 नंबर है, 12 नंबर है। सब डिवीजन जब हम पढ़ेंगे, सब डिवीजन का मतलब है रोजनामचे का उपविभाजन, जर्नल है ना उसका उपविभाजन होता है। जो व्यापार का स्केल छोटा होता है, छोटे लेवल का बिजनेस होता है, उसको जर्नल से काम चल जाता है। नहीं जर्नल से आप लोग पढ़े ना, जर्नल फिलेजर पढ़े, पर जैसे ही बिजनेस बड़ा होता है उसका एक एक डिवीज़न अलग अलग बनाना पड़ता है। जैसे परचेज का अलग हुआ, सेल का अलग हुआ, आप लोग एमडीडीए में पढ़ती हैं, एमडीडीए जगह देखिए लिखा हुआ प्रशासनिक भवन अलग है ना, क्लासरूम अलग है ना, किसी को एडमिशन कराना है हो जाए क्लासरूम में हो जाएगा, एडमिशन डिपार्टमेंट में जाना है। तो जब बिजनेस बड़ा होता है उसका डिपार्टमेंट भी अलग अलग होता है, नहीं जैसे कैश बुक होगा उसका अलग, परचेज बुक अलग, सेल्स बुक अलग, परचेज रिटर्न बुक अलग, सेल्स रिटर्न बुक अलग, बिल्स रिसीवेबल वगैरह अलग अलग होता है। तो क्या पता है आपको कि जिस प्रकार व्यवसाय के लेन देन की संख्या कम होती है वहाँ जर्नल से काम चल जाता है, पर जैसे ही व्यवसाय की संख्या ज़्यादा बढ़ेगा यानी लार्ज बिजनेस होगा तो उसको केवल जर्नल से काम नहीं चलेगा, उसको सब डिविजन भी बनाना पड़ेगा। मर चूंकि इसमें आता है ये क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज कैश बुक रोकर बही क्या है, क्वेश्चन लिखिए व्हाट इज कैश बुक रोकर बही क्या है। आंसर कहता है कि कैश बुक वह पुस्तक है जिसे सभी नगद लेन देनों को लिखा जाता है, यानी कैश रिसिप्ट को लिखा जाता है और कैश पेमेंट को लिखा जाता है। लिखिए क्वेश्चन, रोकर बही क्या है, व्हाट इज कैश बुक, रोकर बही क्या है, व्हाट इज कैश बुक। लिख लिए व्हाट इज कैश बुक, पेज नंबर लिखो 253 में दिया हुआ आंसर लिख लेना 253। मिल गया क्वेश्चन, सेकंड लिखो क्वेश्चन, लिखते चलिए फिर हम उसे आंसर डील करा देंगे। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं अगर उनको अगर क्वेश्चन चाहिए तो हमारे यूट्यूब लिंक में आप न्यूज छोड़ेंगे, इसका आंसर मैं आपको दूंगा, मैसेज छोड़िएगा और मैं इसका आंसर आपको दे सकता हूँ। अब कोई बच्चा हमारे यहाँ वीडियो क्लास भी परचेज कर सकते हैं, जैसे आपको किसी भी क्लास का वीडियो क्लास चाहिए, पूरे चैप्टर्स का पूरे बुक का वीडियो दे सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मेथड में प्रस्तुत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोकर बही की क्या विशेषताएं हैं, व्हाट इज द फीचर ऑफ कैश बुक, व्हाट इज द फीचर ऑफ कैश बुक। इसकी विशेषताएं क्या कहता है, देखिए रोकर बही जो कैश बुक है केवल कैश ट्रांजेक्शन को लिखता है, याद रखिए किसको लिखता है, कैश ट्रांजेक्शन को लिखता है। रोकर बही मेंशन ऑल टाइप्स ऑफ कैश ट्रांजेक्शन, ये केवल नगद लेन देनों को लिखता है, नहीं। दूसरा, इसका भी लिखना जर्नल की भांति सिस्टमैटिक होता है, यानी क्रमबद्ध रूप से लिखता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हम पता है ना जर्नल में अगर मान ली 25 तारीख छूट गया और फिर आप 30 के बाद 25 लिख देते हैं, गलती हो जाएगा, नहीं। जर्नल क्या होता है, जिस तरह सिस्टमैटिक वे में जर्नल लिखते थे उस प्रकार से इसको भी हम सिस्टमैटिक वे में टर्म बाय टर्म लिखेंगे, डेट बाय डेट लिखेंगे। आगे है, रोकर प्राप्तियों को रोकर बही के डेबिट पक्ष में, और देखिए रोकर बही यानी कैश कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट है, कौन अकाउंट है, रियल अकाउंट है, अकाउंट पूछा ना कौन रियल कौन नॉमिनल। तो कैश बुक को रियल बेस पे बनाते हैं हम लोग, रियल बेस का मतलब हुआ कि डेबिट वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, जो आएगा उसको टू में लिखो, जो जाएगा उसको बाय में लिखो, सीआर होता है ना बाई से, जो आएगा उसको बाय में लिखो, किसको लिखो, केवल कैश ट्रांजेक्शन के लिखो। उसके बाद है, रोकर बही एक रोजनामचाकित खाता बही है, यह सहायक पुस्तक तथा प्रमुख पुस्तक दोनों ही है ना, ये पढ़े कौन भाई प्रधान भाई है बताइए, लेजर लेजर ना, लेजर है ना, तो यह लेजर की तरह बनता है और बिना जर्नल बनाया बनता है, अर्थात ये प्रधान भाई और सहायक भाई दोनों हैं, मेन बुक एंड सब्सिडियरी बुक दोनों हैं। चलिए लिख लीजिएगा क्वेश्चन, लिख लीजिए रोकर की विशेषता, रोकर भाई की विशेषता लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, रोकर भाई के क्या उद्देश्य हैं, रोकर भाई के क्या उद्देश्य हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कैश बुक, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कैश बुक। हो गया, फिर क्वेश्चन लिखिए, रोकर बही कितने प्रकार के होते हैं, रोकर बही कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ कैश बुक या क्लासिफिकेशन ऑफ कैश बुक, रोकर बही कितने प्रकार के होते हैं। लिख लिए आंसर, लिखिए देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कैश बुक,
रोकर भाई मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। रोकर भाई नीचे आंसर लिखे, रोकर भाई चार प्रकार के होते हैं। इसलिए पहला लिखिए नंबर एक सिंपल कैश बुक, साधारण रोकर भाई, सिंपल कैश बुक यानी साधारण रोकर भाई। ये 11th की चैप्टर है, सिंपल कैश बुक साधारण रोकर भाई हो गया। नंबर दो में लिखेगा दो खाने वाली रोकर भाई, डबल कॉलम कैश बुक, DOUBLE डबल, दो खाने वाली, नीचे से लिखेगा दो खाने वाली रोकर भाई, डबल कॉलम कैश बुक, DOUBLE डबल कॉलम कैश बुक हो गया, डबल कॉलम कैश बुक। नंबर तीन में लिखेगा तीन खाने वाली रोकर भाई, थ्री कॉलम कैश बुक। नंबर तीन में लिखेगा थ्री कॉलम कैश बुक, तीन खाने वाली रोकर भाई। आप लोग को समझ में आएगा कि अब चार खाने वाली होगी ना, चारों खाने चित नहीं है, तीन खाने वाली रोकर भाई लिख लिए, थ्री कॉलम कैश बुक। और नंबर चार में लिखिए पेटी कैश बुक यानी खुदरा रोकर भाई, पेटी कैश बुक PETY, पेटी कैश बुक खुदरा रोकर भाई, पेटी कैश बुक खुदरा रोकर भाई। लिए आइए हम आपको लिए चलते हैं सिंपल पेटी कैश बुक नंबर वन को पढ़ाते हैं, नंबर टू नंबर थ्री बारी बारी से पढ़ेंगे, एक दिन चारों नहीं पढ़ा सकते हैं, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। तो आइए हम लोग सीखते हैं पहला वाला सिंपल पेटी कैश बुक, ठीक है। तो बोर्ड पर देखिएगा, देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहला नंबर कैश बुक का ये नमूना होता है, आप लोग पढ़े जर्नल में कितने खाने होते हैं, पाँच, जर्नल का पाँच, लेजर में कितने होंगे, आठ, याद है ना, लेजर का बोलिए डेट पर्टिकुलर और जे तब अमाउंट, ठीक है ना, अमाउंट के बाद जेब नहीं, और फिर तो ना ही कॉलम दूसरे साइड होता है। ठीक इसी प्रकार से जब आप कैश बुक खोलते हैं तो कैश बुक कितने कॉलम से काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो कॉलम मैंने खींचा टीधा और पतला सा टेढ़ा नहीं, आप लोग स्केल भिरा कर सीधा खींचेगा, नहीं 10 खाने में दो खाने इसे बढ़ गया, ये और ये, जिसका नाम है VN यानी वॉल्यूम नंबर। क्या होता है वॉल्यूम नंबर, वॉल्यूम नंबर होता है कि जब आपको ज़्यादा बिजनेस आएगा तो एक दिन में पाँच पाँच रसीद, दस दस रसीद आएगा, तो कितने रसीद आएंगे वो वाउचर नंबर आपको, वॉल्यूम नंबर आपको लिखना हो क्वेश्चन में। और बाकी पर्टिकुलर से वाकिफ है, डेट्स को भी परिचित है, ट्रांजेक्शन के डेट को मैंसन करते हैं, नेचुरल पोस्टिंग लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं, फिर वही बात इसमें करते हैं, LFA लेजर का फिर संख्या लिखते हैं, कहाँ से लेजर किस पर ट्रांसफर करेंगे, इसके बाद कहाँ भेजेंगे वगैरह। आइए सिंपल पेटी कैश बुक में केवल कैश बुक की बात करें तो कैश बुक परचेज बुक सब अलग अलग बात होगी, परचेज सारा उठा के परचेज में, सेल ज़्यादा उठा के सब सेल में। बताइए परचेज का नेचर कौन होता है, डेबिट या क्रेडिट, परचेज कहाँ लिखते हो, DR में, उसका नेचर क्या हुआ डेबिट में। जब परचेज का तुम कैश बुक खोलोगे सब टू में होगा, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी तो टू हरी, परचेज कैश, परचेज टू कैश, टू कैश, यही ना होगा, उसका डेबिट नेचर होता है। और सेल का कौन नेचर होगा, क्रेडिट होगा, नहीं लिखते कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, ऐसे नहीं बैठे आपको कर ऐसे पूरी लोग बढ़ता है ना, कैश अकाउंट DR टू सेल्स, सेल्स का कौन नेचर होगा, क्रेडिट नेचर होगा, CR नेचर के होंगे, नहीं तो बाय में लिखा था, सब किधर लिखेंगे था बाय में लिखा, तो वो वक्त आएगा तो हम बताएंगे, वो सब आप लोग को आता ही है। तो आइए कैश बुक को सीखते हैं और कैश बुक कैसे बनाएंगे, ठीक ना। पहले बताइए फिर से याद करा दें कैश बुक किस रूल्स को ध्यान में रख के बनाइएगा आप लोग, रियल अकाउंट को, डेबिट वाटे रूल है रियल अकाउंट्स को, जो भी कैश आएगा उसको लिखेंगे और कैश जाएगा उसको लिखेंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को नहीं लिखेंगे। रियल अकाउंट प्योर इसलिए नहीं बोलेंगे कि रियल अकाउंट में था कि गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल, ये भी उसके रूल पर बन जाता था, परचेज फर्नीचर फ्रॉम राहुल, फर्नीचर टू राहुल, तो यहाँ पे हम लोग फर्नीचर को अलग लिखेंगे, राहुल बा को अलग लिखेंगे, कैश बुक दैट मीन्स ओनली कैश ट्रांजेक्शन मेंशन इन दिस बुक, केवल नगद लेन देन को लिखेंगे। आ गए बात समझ में, आइए बनाते हैं। चलिए पहला नंबर 2019 साल है, 2019 ईयर लिख देते हैं, 2019 लिख देते हैं, लिख दिए। पहला देखो 1 फरवरी को कहता है कैश इन हैंड, तुम्हारे हाथ में पैसा है, अच्छी बात है ना, रहना चाहिए ना। चलो इधर लिखते हैं, वह डेबिट बैलेंस होता है ना कैश का, फरवरी 1 टू बैलेंस BT 172, आप लोग एक बात हम बराबर कहते हैं, आप लोग पूछेंगे कितना बड़ी सर बातें करते हैं,
किसी भी एसेट्स का एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, मतलब उसको डेबिट में लिखना चाहिए, जैसे लिखा था ना एक लेजर में मशीनरी इन हैंड, क्वेश्चन नंबर 9 लेजर का। हम बोले थे ना जर्नल नहीं बनाओ, सीधे पोस्ट करो, याद आया? और कहाँ लिखे थे? टू बैलेंस बीडी 12,800 नहीं, अमर डेबिट बैलेंस लिखा हुआ था टू में, अकबर क्रेडिट था भाई में। तो वो आदमी नहीं, जब एसेट्स होता है, फर्नीचर है, मोबाइल है, बोर्ड है, डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है? तो कहाँ लिखा टू बैलेंस बिलिंग। उसके बाद देखिए रिसीव कैश फ्रॉम श्री चंदर, श्री चरण से पैसा आया कितना? 2500 रुपये आया कि गया? आने पर किधर लिखना है? डी आर में यानी टू में, इधर डी आर आया। तो चलिए दो तारीख लिखे, और टू कौन दिया? श्री चरण। कितना दिया है? 2500 आगे दो, ये हो गया और ये हो गया। सेवन तक गिव टू रंजीत, रंजीत बा को पैसा दिया, गया क्या आया? किधर लिखोगे? बाय में और लिखते हैं बाय रंजीत। क्या तारीख के साथ है ना? कितना दिया रंजीत को? 1500। आगे चलिए ये भी हो गया। 12 में कैश सेल्स नगद माल बेचे, मैं आया कि गया? आया, आया ना, कहती है गया। नगद ले गया टू सेल्स, कितना रुपया गया आया? 600। चलिए 600 लिख लिए। उसके बाद कैश पर्चे नगद माल खरीदे 15 तारीख, आया कि गया पैसा? गया। पहले देखो बाय पर्चे कितना गया, देखो ना 500 यानी 500। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव ब्याज मिला हमको, आया पैसा गया? क्या लिखेंगे? डी आर में नहीं, तारीख 20 लिखो, लिखो टू इंटरेस्ट कितना रुपया हुआ? 150। आगे देखो वेजेज पेड मजदूरी दिए, क्या हुआ? किधर लिखे हम? सी आर में, इधर लिखे ना। चलो बहुत अच्छा, बाय वेजेज कितना लिखेंगे? 500 यानी ये भी काम कंप्लीट। 26 का कैश सेल्स नगद माल बेचे, पैसा आया ना? इधर लिखे सेल्स कितने रुपए ले दूं? 800। ये भी हो गया। चलिए दूसरा नहीं बोलेगा, जिसे पूछे वही बोलेगा, तुम खड़ा हो। हेलो, गिव डोनेशन दान दिए किधर लिखे? वेरी गुड, वेरी गुड। 27 तारीख में बाय डोनेशन कितना रुपया गया? 201 रुपया है ना डोनेशन, देखिएगा आपको 201 लिखे, 201 होगा। लास्ट पेड सैलरी मजदूरी दी, ऐसे टू में लिखे, बाय में लिखा गया ना पेड सैलरी, जो पैसा गया तो गया, तो क्या लिखा? बाय में लिखे 28 तारीख और लिखिए बाय सैलरी 700। सामने अकाउंट लगाइए ना, कोई जरूरी नहीं, लिखा लगा लेते हैं, जरूरी नहीं लगाना, वीडियो बना रहे थे ये जरूरी नहीं। ये जर्नल है प्रायः तब हुआ रे, ये लिखिए अब लोग सियान हो गए, मैच्योर्ड हो गए। आइए तो क्या देखेंगे इसके आगे हम लोग, अब किस साइड का जोर ज़्यादा है, टू साइड का जोर ज़्यादा है या बाई साइड का जोर ज़्यादा है? इधर को ऐड करोगे तो वो टोटल ऐड कितना हो जाएगा? 4222 यानी 4 8 3.2 4222 है। ये पूछ रही कि सर कैसे आया 4222, जोड़ क्या है ना, सबको जोड़े चाहिए फिर जोड़ के बतावे नहीं। अब क्या करना चाहिए हम लोग, किसी भी लेयर में शेष निकालना चाहिए, बैलेंस सीट क्या पढ़ाते हैं, बैलेंस सीट निकाले क्या करना है, जिस साइड का जोड़ ज्यादा है उसे कम के साइड लेके क्या करना चाहिए, घटा देना चाहिए। इधर का जोड़ कम है ना, तो इसको यहाँ लिखो 4222 घटाओगे तो 821 होता है। हमेशा किस डेट को लिखना चाहिए? उस महीना के लास्ट डेट को। हम लोग किस महीने में काम कर रहे हैं? फरवरी में। फरवरी का लास्ट डेट कौन सा डेट होता है? 28 होता है। तो यहाँ पे हम लोग 28 फरवरी लिख सकते हैं, 28 फरवरी। और सीडी का बीडी कितने तारीख का होता है? नेक्स्ट मंथ के 1st तारीख को, नहीं तो क्या हो जाएगा? मार्च 1st टू बैलेंस बीडी कितना लिखे? 821 रुपया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आई? आप लोगों से पूछेंगे तो बता दीजिएगा, ये समझ गए? चलिए आप लोग कस के बोलिएगा हमारे साथ, किधर लिखाता है
पार्चेज फर्नीचर किधर होगा, तू में या भाई में? कसके बोलिए भाई में। नहीं कोई पूछे क्यों भाई में होगा तो यहाँ पे कैश जा रहा है मेरे लिए, क्या लिखे भाई फर्नीचर नहीं। फिर बोलिए ये सब लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन अगर ऐसा रहे कैश सेल्स नगद माल बेचा किधर लिखोगे? हेलो लकी हाँ जाए ना कैश सेल्स टू में क्या लिखेंगे? टू सेल्स। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल, क्वेश्चन है परचेज गुड्स फ्रॉम अनिल, अनिल से माल करते किधर लिखेंगे? भाई में नहीं लिखाएगा। वेरी गुड। कैश नहीं, जब नाम दिया और कैश की चर्चा नहीं हो, लेन देन उधार होता है, उधार को अपन लोग नहीं लिखेंगे ना, ना टू में लिखेगा ना पाए में लिखेगा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन बताइए, सोल गुड्स टू अंजलि है, अंजलि को माल बेचा 4,000 रुपए का किधर लिखेंगे? नहीं लिखाएगा। क्यों नहीं लिखाएगा? क्रेडिट सेल है नहीं, क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल को हम लोग नहीं लिखेंगे। अच्छा चलिए बहुत अच्छा आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन है गुड्स गिवन एट चैरिटी, माल दान में दिया, क्या क्या माल दान में दिया, आप इसको किधर लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों? कैश नहीं जा रहा, क्या जा रहा है? माल जा रहा है, तो माल वाले में लिखाएगा, परचेज वाले में लिखाएगा। लगता है कि आप लोग समझ गए। अच्छा इसी में रहता है कैश गिवन टू भिकमंगा, बेगर को भिकमंगा को 5 रुपया दिया तब लिखते बाई डोनेशन 5 रुपया गया नहीं, 10 रुपया भीख मांगे तब टू में लिखा था। अब समझ गए कैश ट्रांजेक्शन कोई मेंशन करेंगे, किसी को कोई मोबाइल दे दे घड़ी दे दे नहीं लिखाएगा, वॉच दे दे गुड्स दे दे हम लोग नहीं मेंशन करेंगे। क्लियर आई बात समझे सपना? हकीकत है सपना पर। अच्छा चलिए एक होता है ऐसे खलास ना, ऐसे खलास, खलास में क्या करना है? क्या हाल है बाबू? बढ़िया बैठ बात याद। जैसे यहाँ सेल्स है ना, आपको क्या सेल्स अकाउंट खोलो, SALES सेल्स अकाउंट ओपन करना मान, तो कैसे ओपन करें? इधर से इधर आ रहा है ना, इधर का इधर कर देना, इधर का इधर कर देना, ये जो चेहरा बना रहे ऐसे, ये बनाने के बाद मत माना गलती हो जाएगा, ये दिमाग में सोचना है ना, और ऐसे बना के कर दिए सब किए थे तो सारा क्वेश्चन गलत हो गया। तो यहाँ पर सेल्स है ना, और जिसका अकाउंट ओपन करेंगे उसका नाम नहीं ना होगा, कहीं भी कैश नहीं ना लिखे, किसी को गलती करना है दोस्त को अगर तो बेटा खाली कैश लिख देना, गलती जीरो ना बजाना, एक कहानी बड़ा कहानी पंचर कर लेगा। तो यहाँ पर सेल्स कहाँ है बाबू ने बताओ? था टू में है ना, डेट वाली कहेंगे सेल्स है, एक यहाँ है तो सेल यहाँ है, सेल्स का खोलना है तो लिखना 12 तारीख में से बाई कैश, कहाँ से आया बाई कैश, कितना आया 600, फिर लिखो कई तारीख है 25 बाई कैश, कितना आ जाएगा 800 से 814 28 तारीख लास्ट में टू बैलेंस ही, समझ में आया? सिंपल बात है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो इसको जरा सोचो अमित, जर्नल क्या बनता है? नगद माल बेचा, गुड्स और कैश अकाउंट दिया टू सेल्स, तो कैश के लिए टू सेल्स होता है और सेल्स में बाई कैश होता है। अब समझ में आया? अब जैसे कोई कहा परचेज का खोलो, तो परचेज यहाँ है टू में क्या लिखा? टू कैश है ना, जैसे एक इसको मिटाते हैं बैठिए है, बतिया से जैसे अपन लोग तो डोनेशन का खोलो, डोनेशन कहाँ, यहाँ पे डोनेशन है 201 रुपया है, तो किधर जाना चाहिए? टू कैश। अब समझ गए इधर का इधर क्या टू कैश, समझ गए? जरा हमको बताइए कोई आदमी कि शिव चरण का खोलेंगे तो क्या लिखेंगे? बाई कैश। क्लियर, यानी हम ये समझ गए कि आज हम लोग सिंपल पेटी कैश बहुत अच्छा रहेंगे समझ गए, और कल आपको क्लास देंगे डबल इंटरेस्ट सिस्टम का, तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।